हैप्पी न्यू ईयर शाहरुख खान की किन 7 फिल्मों की कॉपी है और क्यों बनेगा हैप्पी न्यू ईयर का सीक्वल। हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हूं सानिया सैफी। हैप्पी न्यू ईयर के झंडे यूं तो शाहरुख खान के फैंस ने खूब गाड़े, लेकिन ये फिल्म दरअसल शाहरुख खान की पिछली काफ़ी सारी फिल्मों का रीमेक है। फराह खान इंडस्ट्री की इकलौती शाहरुख खान की फैन है जो कभी उनसे बाहर ही नहीं निकल पाती, और इसीलिए उन्होंने बना डाली हैप्पी न्यू ईयर की खिचड़ी। अगर आप इस फिल्म को जरा गौर से देखें तो इस फिल्म का हर एक सीन आपको शाहरुख खान की किसी पुरानी फिल्म की याद दिलाता है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं ऐसे ही कुछ दिलचस्प बातें कि वो कौन कौन सी फिल्में हैं जिनसे फराह खान ने इस फिल्म को बनाने का आइडिया लिया। फराह खान की हैप्पी न्यू ईयर का थीम था बदला, ठीक वैसे ही जैसे बाजीगर फिल्म में था। एक अमीर बाप, उसका एक अमीर दोस्त, फ्रॉड का केस, हीरो के पापा जेल के अंदर और हीरो बदले के प्लान के साथ जेल के बाहर। हाउ ओरिजिनल फरहा। रब ने बना दी जोड़ी में जिस तरह से शाहरुख खान और अनुष्का के किरदारों को पास लाने के लिए आदित्य चोपड़ा ने एक डांस कॉम्पिटिशन का सहारा लिया था, ठीक वैसे ही फराह खान ने वहां से वो आइडिया उठाते हुए बना डाला वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप का थीम। किस्मत बड़ी कुत्ती चीज है। डायलॉग नया है पर फील वही है। किसी चीज को अगर शिद्दत से मांगो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की साजिश करती है। यहां पर भी फराह खान शाहरुख के हाव भाव से लेकर डायलॉग तक उन्हें रिपीट करती हैं, जिसका एक नतीजा ये भी है कि शाहरुख खान पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त कहना तक नहीं भूलते। कल होना होगा 6 दिन लड़की इन, अगर आपको याद है तो आपको समझ ही आ जाएगा कि हर वक्त दीपिका के पीछे खड़े होकर कोई राज सुनने के पीछे का क्या लॉजिक है। कल होना हो में प्रीति जिंटा हीरो के ठीक पीछे उसी वक्त खड़ी होती हैं जब वो प्लान बता रहे होते हैं। जाहिर सी बात है, हैप्पी न्यू ईयर में कुछ अलग कैसे हो सकता था। मैं हूं ना फिल्म के एक सीन में डांसर से लड़ते लड़ते शाहरुख बिल्डिंग के कोने पर पहुंच जाते हैं, पर गिरता डांसर है और शाहरुख उन्हें बिल्कुल उसी अंदाज में बचा लेते हैं जैसे उन्होंने मैं हूं ना में जैद अली खान को बचाया था। फिल्म के क्लाइमेक्स के ठीक पहले दीपिका चक दे इंडिया का 70 मिनट डायलॉग कॉपी करती हैं, जहां उस फिल्म में ये एक डायलॉग रोंगटे खड़े करता है, वहीं हैप्पी न्यू ईयर का ये डायलॉग बस दर्शकों को उंघाता है। हालांकि डायलॉग हंसाने के लिए रखा गया है मगर ऐसा कुछ होता नहीं है। देशभक्त, तिरंगा और शाहरुख खान की बाहें। शाहरुख खान अंत में एक तिरंगे के आगे अपने ओरिजिनल पोज में खड़े हो जाते हैं, ठीक फिर भी दिल है हिंदुस्तानी की तरह। बल्कि पूरे सीन का इफेक्ट फिर भी दिल है हिंदुस्तानी की याद दिलाता है। मैं हूं ना में सतीश शाह की थूक ने सबका जीना दुश्वार कर दिया था, और यहाँ पर अभिषेक बच्चन का भी कुछ ऐसा ही हाल है। उन्हें जब तब उल्टी करने की बेतुकी सी आदत है जो कहीं से कहीं तक भी ह्यूमर पैदा नहीं करती। ये तो कुछ भी करने की हद हो गई थी। तो दोस्तों, ये हैं कुछ फिल्में जहां से फराह खान ने आइडियाज चुरा कर अपनी फिल्म में डाले थे। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ और भी था जो शायद हमने मिस कर दिया है तो आप हमें बता सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। बाकी आपके क्या सवाल हैं पूछ सकते हैं, मैं बेशक आपकी बातों का जवाब दूंगी। तो देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को। मैं हूं सानिया सैफी, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन तब तक प्यार बांटते रहिए। तो